नमस्कार। आज वर्ल्ड कप का अगला मैच नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाला है, जो कि निर्धारित समय 9:30 बजे से शुरू होगा। यह मैच एडिलेड में खेला जाएगा। इस मैच में अगर जिम्बाब्वे को देखा जाए तो जिम्बाब्वे का पलड़ा नीदरलैंड से काफ़ी भारी माना जा रहा है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि नीदरलैंड की टीम भी इसमें खराब प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से जिम्बाब्वे के दो ऑलराउंडर सिकंदर राजा और शेन विलियमसन ने प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि नीदरलैंड के लिए जिम्बाब्वे को हराना आसान होगा। नीदरलैंड को जीतने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को सस्ते में पवेलियन भेजना होगा तथा इनके गेंदों को मजबूती के साथ सामना करना होगा अगर नीदरलैंड को यह मैच जीतना है तो। नीदरलैंड ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में। यह मैच एडिलेड में होगा और इन दोनों मैचों के खिलाड़ियों के अगर तुलना किया जाए तो, अगर ज़्यादा विकेट लेने की बात किया जाए तो जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं, ब्लेसिंग मुजबेरानी हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं। वहीं सिकंदर राजा, जो कि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल कर रहे हैं, ये भी 9 विकेट चटकाए हैं। रिचर्ड निगरवा, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, ये 6 विकेट लिए हैं। नीदरलैंड की तरफ से बस डे लीडे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी 9 विकेट लिए हैं। और पाल डेन मिकरेन बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं और 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं पे ज़्यादा रन बनाने की बात की जाए तो सिकंदर राजा, जो कि जिम्बाब्वे के बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, 145 रन बनाए हैं, और शेन विलियम्स 116 रन बनाए हैं। वासले मेघरवे, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो 105 रन बनाए हैं। अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो मैक्स ओडाउड 161 रन बनाए हैं। मैक्स ओडाउड बहुत बढ़िया, एक समझिए बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। और वहीं कोलिन अकरम, ये ऑलराउंडर हैं, ये दोनों ही ऑलराउंडर हैं और ये 123 रन बनाए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नीदरलैंड से बेहतर जिम्बाब्वे की टीम तो है, लेकिन इन दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो नीदरलैंड कहीं से भी जिम्बाब्वे से कम कमज़ोर सिद्ध नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से जो भी यह मैच का आनंद लेना है, या जैसे भी हम लोग पिच की बात करते हैं, तो वहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मदद मिलती है और काफ़ी लंबा एडिलेड में स्कोर बनता है, तो काफ़ी बेहतर मैच होने की संभावना है।